आनंद नगर सबसे बड़ी बात तो ये है, पढ़ा लिखा है, मेरे अनुसार है 100% है, मतलब इसके मन में किसी प्रति कोई जर नहीं है। पूरे हलके के सबसे ज्यादा युवा आनंद जाखड़ के साथ ही जुड़े हुए। युवाओं की दिलों की धड़कन है, जो किसानों की आवाज हंसी हलकम सबसे पहले इसको उठाई थी। अरे गांव में जाओ हो, युवा देखो कितने सारे, कुल जीतेंगे जी। आनंद जाखड़, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को तो सरकार चलाने का तजर्बा ही नहीं है। मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा का भट्ठा उठा दिया। जब भारतीय जनता पार्टी को पता लगा, उन्होंने ड्राइवर बदल दिया जी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को कुर्सी दे दी, और आचार संहिता लगने के बाद वो जिस प्रकार की घोषणाएं कर रहे हैं, जो बातें बना रहे हैं, वो संभव ही नहीं है। मेरा बड़ा साफ स्पष्ट विजन है, एक तो हम हांसी में भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं जी। और एक नए हांसी का, अभी लग रहा है आपको भ्रष्टाचार है हांसी में? बिल्कुल भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार कहानी। अनेक बार तो कागजों में आवारा पशु पकड़ने की मुहिम लग चुकी, कितनी बार उनके टेंडर लगे, उनकी पेमेंट भी हो चुकी, आज भी आवारा पशु सड़कों पर घूम रहे हैं। आप सभी दर्शकों बहुत बहुत नमस्कार, मेरा नाम है मुकेश माही, ये गांव है गढ़ी और बात है बहुत बड़ी। दरअसल क्या है कि विधानसभा चुनाव की जो तारीख है वो डिक्लेयर हो चुकी है, 1 अक्टूबर को जो है हरियाणा में विधानसभा चुनाव होंगे, और विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र जो है सरकार एक नई जो है वो अपना राजपाट संभालेगी। इसी कड़ी में जो कार्यकर्ता हैं, जो टिकट के चाहवान जो लोग हैं, वो अपना अपना एक कहें कि जन प्रचार जो है, अपनी पार्टी की नीतियों का प्रचार जो है वो लगातार कर रहे हैं। इसी कड़ी में आप ये देख भी सकते हैं कि जो गढ़ी गांव में आनंद जाखड़ जो है वो पहुंचे हैं, और पूरा एक सैकड़ों एक युवाओं का, सैकड़ों लोगों का एक जो जनसमूह है वो आनंद जाखड़ के साथ है, और पूरे गाँव में जैसे कहें कि डोर टू डोर का जो आयोजन है वो किया जा रहा है, और लोगों से जाकर मिल रहे हैं, उनसे जो है कांग्रेस की नीतियों का प्रचार कर रहे हैं, और पूरा एक जो युवाओं का एक बड़ा एक अच्छा खासा जो जनसमूह है यहाँ जब पहुँचे आनंद जाखड़, तो एक बड़ा एक फूलमालाओं के साथ में स्वागत हुआ, और बाइक के काफिले के साथ जो है आनंद जाखड़ को जो एक समारोह स्थल जो है जहाँ से शुरुआत जो हुई वहाँ पर लेके आया गया। आनंद जाखड़ से बात करेंगे कैसे क्या जो है गढ़ी गाँव के लोगों का किस प्रकार का, क्या एक कहें कि कैसा जो समूह का एक जो कैसा प्रेम मिल पा रहा है वो आनंद जाखड़ से हम बात करेंगे। इसी प्रकार वीडियो के अंत तक बने रहें। इस पूरे के पूरे इस काफिले में ना कई युवा ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो हाथों में देखिए हंसी है, तैयार चुनने को युवा उम्मीदवार आनंद जाखड़। भाई साहब क्या नाम है? खुशीराम जी। खुशीराम जी कितनी खुशी से जो है आप ये देखिए, वहाँ भी वो भाई लगा रहे हैं, यहाँ भी आप ये लगा रहे हैं, टिकट में लगी उस दिन बहुत ज़्यादा खुशी होगी हमारे तो। आनंद जाखड़ ना जिता के लिए आवाएंगे भाई साहब, अभी तो जिताने से पहले तो भाई टिकट की बात है। टिकट भी मिलेगी और आनंद जाखड़ नहीं मिलेगी टिकट भी। अच्छा क्यों? हाँ। इतना क्यों यकीन है भी आनंद 44 लोग खड़े भाई साहब? तो देखो भाई साहब, अरे गांव में जाओ हो, युवा देखो कितने सारे। अच्छा हाँ जी, यानी कि जो लोग हैं अब जैसे कि गढ़ी गांव में पूरा यूँ लगे जैसे पूरे का पूरा गाँव ही पीछे पीछे हो लिया हो, आनंद लग रहा है जी गाँव और जुड़न लग रहे हैं जी भाई साहब, जुड़न लग रहे हैं जी। तो नहीं टिकट की और आनंद जाखड़ कितनी बीच की दूरी मान रहे हो? दूरी मैं तो मानता नहीं, बिल्कुल भाई की पक्की है जी टिकट, पक्की है बिल्कुल। एक बड़ा एक लाइन लग रही है, 44 जो लोग हैं उसमें से आनंद जाखड़ को आपने कह दिया कि युवा है, पहले पढ़ा लिखा भी है, इस चीज का फर्क पड़ा है? अरे गांव में जावा नहीं, युवा का जोश देखा नहीं, उस तो बताने लग रहे हैं, बताने लग रहे हो। अच्छा टिकट मिल गई तो जीत भी, बिल्कुल जीतेंगे जी। आनंद जाखड़ जिंदाबाद, आनंद जाखड़ जिंदाबाद, पूरे के पूरे जो जोश में जो है वो सभी ये जो लोग हैं वो आनंद जाखड़ के टिकट की पैरवी जो है वो करते जा रहे हैं पूरा एक जो अच्छा एक। ताऊ जी भी साथ में, ताऊ जी क्या नाम है? श्री राम। श्री राम किसके अलग अलग रहे हो? आनंद जाखड़ के साथ है। ये तो टापरा काम है, युवा युवा लग रहे हैं आप। हा? तो बूढ़े हो आप, क्यों लग रहे हो? मैं बूढ़े क्यों हूँ? जवान। हाँ जवान हो, इन जवान ना मिल के जवान हो, जवान हो गए। आपने केला का आनंद जाखड़ टिकट मिल जाओ, टिकट की देर है? टिकट की देर है, जीतने की कोई देरी नहीं। इसी योग में यूं लगे अभी युवा है टॉपर, समझ भी है किसने? पूरी पूरी जमा हर एक चीज का ज्ञान है। अच्छा, और अच्छा इंसान है बिल्कुल, जमा नरम सभा का, नरम सभा। हाँ बस टिकट की देरी है। हाँ टिकट की देरी है, जितने की कोई देरी नहीं, जितने की कोई देरी कोई देरी नहीं। वाह ये देखिए एक ही जी, ये हमारे गाँव का है। अच्छा खेड़ी गंगन से? अच्छा हाँ, इसके साथ रहते हैं हमेशा, हर एक हर रोज हर एक गाँव में जाते हैं हमें, तो हर गाँव में यूँ सारा काम कर लो ले। हाँ काम कर ला है हर एक गाँव में, पूरा जोश काफिला। हाँ ये देखिए जो ये ताऊ जी है ये कह रहे हैं कि सिर्फ ना टिकट मिलने की देरी है, लेकिन जो लोगों का जो प्रेम है उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। आनंद जाखड़ से भी बात करेंगे, और ये देखिए यहाँ जो है ये मेन चौक है, और मेन चौक का अगर आप देखेंगे लोग अपने अपने घरों से बाहर आ गए हैं, और आनंद जाखड़ के प्रति जो एक अपना एक समर्थन जो है वो दिखा रहे हैं।
जो काफिला है आनंद जाखड़ के साथ में, उसमें जो कुछ है कि जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं, बात करेंगे कैसा क्या माहौल है। भाई साहब क्या नाम है? भैया जी भरपूर नाम है। भरपूर, वाह। जो एक है ना जैसे जो प्रेम मिल रहा है ना आनंद जाखड़ को, वही पूरा भरपूर मिल रहा है, वही आपका नाम है भाई साहब जी। बताएं क्या कहेंगे आनंद जाखड़ के बारे में, गाड़ी गाँव में पहुंचे और लोग जो एक बिल्कुल भी पीछे काफिले के साथ में। आनंद जाखड़ सबसे बड़ी बात तो ये है, पढ़ा लिखा है, मिलनसार है, एक सॉफ्ट पर्सन है, मतलब इसके मन में किसी प्रति कोई जहर नहीं है। अच्छा, ये बच्चा था उस टाइम पर 2009 की बात है, जब से काम करने लग रहा है, फील्ड में रहता है, ये कभी क्रिटिसिज्म में नहीं आता, कुछ भी मतलब भेदभाव में कभी ये कभी भी इसने गलत कमेंट किया नहीं है। कई लोग महत्वाकांक्षी हो जाए ना भाई, हम मेरे मन नहीं महत्व दो, लेकिन आनंद जाखड़ ने कभी महत्व के लिए कुछ भी नहीं किया, यानी इसने हमेशा कांग्रेस पार्टी की सेवा करी है। आप कहते सभी, मैंने और भी लोगों से बात की, कहते युवा है पढ़े लिखा है, इस बात के क्या मतलब? जिताना तो लोगों को वोट नहीं होता, पढ़े लिखे का क्या मतलब होता है, कितना जरूरी होता है पढ़े लिखे? ये भी जैसे को अनपढ़ आदमी है और वो बात करेगा सारी गुड़ रोट के, पढ़े लिखे है पॉइंट टू पॉइंट बात करता है और पॉइंट टू पॉइंट ही हमेशा अगला पेटा भर के करे। अच्छा, हाँ, अगर मैं बात कर लें तो जो कांग्रेस है वो 10 साल से सत्ता से दूर है, बीजेपी राज कर रही है, बीजेपी के राज में क्या कमियाँ रह गई होगी? बीजेपी राज में भाई कमी कितनी गणा होनी बताए, घंटा लग जाएगा। मेन मेन सी करें तो सबसे बड़ी कमी तो ये है, बीजेपी ने हमेशा भेदभाव कराया है और आज के दिन ना जैसे मैं भी पढ़ा लिखा हूँ और बता दूँ आपको, 2014 से पहले कभी कोई नहीं पूछता था कि आप कौन हो, ठीक है, इतना भी हो गया जातिवाद फैलाने वाली सबसे बड़ी बीजेपी है। अच्छा, ठीक है, और जितने ड्रामे करे हैं पोर्टल के लिए कर दिया, ओटीपी आ गया तेरब को नहीं, मेरे पा गया, मेरी माँ का ओटीपी मेरा फोन पाओ, मेरा अबू का मेरा भाई का फोन पाओ है, ये ड्रामे कर दिए। अच्छा। और बीजेपी ने ढोल गणे बजाए हैं, काम काम करे। कांग्रेस से उम्मीदें हैं? कांग्रेस से उम्मीदें सबसे ज़्यादा, उम्मीदों पर खरी उतर जाएगी। फिलहाल भाजपा का डोरा करने वाली कांग्रेस से है। अच्छा, यानी कि जो भाजपा को हरा सकती है वो कांग्रेस है। हाँ, कांग्रेस है जी। और कांग्रेस का सी एल के की बात करें तो आनंद जाखड़ आपकी नज़र में? बिल्कुल, आनंद जाखड़ पढ़ा लिखा है जी, पढ़ा लिखा है, सॉफ्ट ट्रेड है, कभी क्रिटिसिज्म में नहीं आता किसी बात में भी, पॉलिटिक्स में नहीं है, बिल्कुल सही बात है। इसने कभी ये नहीं कही मैं ही कांग्रेस हूँ, इन्हें कभी नहीं कही, मैं तो कार्यकर्ता हूँ। और जी बुजुर्ग जी सर क्या नाम है आपका? आजाद सिंह जी। आजाद जी, इन्होंने कह दिया कि आनंद जाखड़ जो है युवा है पढ़ा लिखा है, लेकिन 44 लोग हैं उनमें भी, तो किस तरह आनंद जाखड़ कैसे एक महत्वपूर्ण, कैसे एक युवाओं की दिलों की धड़कन है, जो किसानों का किसानों की आवाज़ हंसी हलकम सबसे पहले इसको उठाई थी, अपने गंगनखेड़ी गांव है नज़दीक, वहाँ से 100 ट्रैक्टरों का काबला लेके दिल्ली पहुँचा था। अच्छा। किसानों की मदद के लिए हर बार जाते रहे, इसीलिए युवा परिचित है हलकम में, पूरा युवा युवा नेता है, युवा को चाव आजकल छोटी मंडली बड़ी जी। अब कुछ ही दिनों में जो है वो टिकट का एक नाम आ जाएगा सामने कि ये जो है कांग्रेस का एक उम्मीदवार रहेगा, उम्मीद और जो आनंद जाखड़ है वो कितना के अपने आप को आप काबिल कितना मानते हैं कि भी आनंद जाखड़ को टिकट मिल सकती है? हम तो पूरा इन्हों जो सर इसका काम देखा, हाँ, तो युवा में जो है गाँवों में भी है, आनंद जाखड़ एक बढ़िया लड़का है युवा जी, उसके लिए लोग ये कह रहे भी आनंद जाखड़ आ जाता है तो हम बाजी पार कर देंगे, कोई भी इसका सामना आ जाओ बाजी पार कर देंगे। देखिए जो ये जो पूरे का पूरा काफिला है इसमें पढ़े लिखे भी काफ़ी बड़ी तादाद में लोग हैं। भाई साहब क्या नाम है? भाई नवदीप नाम है मेरा जी। नवदीप जी, आनंद जाखड़ गड्डी गाँव में पहुँचे, एक जो युवाओं ने बाइकों के साथ स्वागत किया, युवाओं की एक बड़ी फौज जो है वो आनंद जाखड़ के साथ जुड़ी हुई है। आनंद जाखड़ भाई साहब पिछले 20 साल से युवा कांग्रेस में काम कर रहे थे, तो पूरी वही टीम है, वही सारे आदमी हैं, पिछले 20 साल से जितने भी युवा इनके साथ जुड़े हुए हैं वो सारे हैं, पूरे हलके के सबसे ज़्यादा युवा आनंद जाखड़ के साथ ही जुड़े हुए हैं। यानी युवा के साथ साथ एक्सपीरियंस भी है? बिल्कुल, पिछले 20 साल का इनको चुनाव लड़ने का एक्सपीरियंस है और इनकी हर गांव में हर बूथ पे हर जगह एक बहुत बड़ी कार्यकर्ताओं की फौज है और जो इनको इलेक्शन में जितवाने का काम करेगी। तो टिकट के पूरे आप मानते कि जो मज़बूत चीज़ यही आनंद जाखड़ है? मजबूत नहीं जी, टिकट तो है ही इनकी और यही टिकट के असली हकदार असली दावेदार हैं और टिकट पार्टी इनको ही देगी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बड़ी अच्छी बात है आपने कही जी। लो जी, गढ़ी गांव की जो गलियों में घूमते हुए आनंद जाखड़ मिल चुके हैं, पूरे का पूरा जो काफिला वो साथ जो चल रहा था वही यूँ कहीं मौजूद है। आनंद भाई कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ भाई साहब। आचार संहिता लग गई, 1 अक्टूबर को जो है चुनाव है, 44 लोग कांग्रेस की टिकट मांगने वाले खड़े हैं, आनंद जाखड़ अपने आप को कितना मजबूत मानते हैं? मेरे साथ जितने युवा साथी बुजुर्ग घूम रहे हैं उससे इस बात का अनुमान लगता है कि हमारे साथी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, मेरे अंदर भी नया जोश आ रहा है, उम्मीद है मुझे टिकट मिल जाएगी। शैलजा जी की पदयात्रा थी उसमें जो एक जो जनसमूह जो आपके साथ जो उमड़ा ना कि लोगों की आँखें की फटी रह गई थी, भी इतने लोग भी एक आनंद जाखड़ के साथ जिनकी ज़्यादा उम्र भी नहीं है, युवा है,
लेकिन फिर इतना एक जनसमूह कैसे आपके साथ आया? वो हांसी हल्के को सिर्फ एक दिन जनसमूह नज़र आया था, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत वो 20 साल पुरानी है। हम लोग करीब 2004 से NSUI युवा कांग्रेस में काम करते आ रहे हैं जी। और युवा साथियों का सहयोग हमारे साथ है, वो इस वजह से हुआ जी। आप लोगों के बीच जा रहे हैं, महिलाओं से भी आप जो है उनको अपनी कांग्रेस की नीतियां बता रहे हैं, महिलाओं के प्रति बड़ी जो एक कहें कि बड़ी जो घोषणाएं हैं मुख्यमंत्री ने जब हांसी में रैली थी उस वक्त भी की, क्या लगता है कि जो किस प्रकार कांग्रेस है बीजेपी की, इस प्रकार जो कि मुख्यमंत्री खुद जुटे खड़े प्रचार में, कैसे पार पाएंगे उनसे? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को तो सरकार चलाने का तजर्बा ही नहीं है जी। मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा का भट्ठा बैठा दिया, जब भारतीय जनता पार्टी को पता लगा उन्होंने ड्राइवर बदल दिया जी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को कुर्सी दे दी और आचार संहिता लगने के बाद वो जिस प्रकार की घोषणाएं कर रहे हैं, जो बातें बना रहे हैं, वो संभव ही नहीं है, क्योंकि उनको पता कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की आनी ही नहीं है जी। तो उन घोषणाओं का कोई काम नहीं है। तो आपको लग रहा है कि जो घोषणाएं जो की जा रही है वो एक फॉर्मेलिटीज़ की जा रही है? बिल्कुल झूठी घोषणाएँ हैं। पहले भी उन्होंने अनेक तरह के जुमले दिए, आदर्श गाँव बनाने की बात की थी, युवाओं को रोज़गार देने की बात की थी। आपने देखा होगा कि MSc, MPhil, LLB, BTech लोगों को इन्होंने PN लगाया है, चपड़ासी लगाया है, ड्राइवर लगाया है जी। ये तो उनकी डिग्री के साथ एक विश्वासघात है जी। आप ये तो आपने बताई बीजेपी की कमी, कांग्रेस की क्या खूबी है कि युवा आप कांग्रेस के प्रति क्यों अपना एक जो रुझान है वो पैदा करें? जब कांग्रेस की सरकार थी और जो साथी जो युवा पढ़ाई में अच्छा नहीं पढ़ पा रहा था और उसने खेलों की तरफ अपना रुझान किया, तो कांग्रेस पार्टी ने एक नीति चलाई, पदक लाओ और पद पाओ। 17 DSP लगाए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, खिलाड़ियों का सम्मान दिया। इसी गढ़ी गांव में अनेक युवा प्रैक्टिस करके आर्मी में भर्ती हुए हैं। और अब फिर जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, ये नीति भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दी, कांग्रेस दोबारा से लागू करेगी। भाजपा तो कह रही कि हमने अग्निवीर जैसी योजनाएं चलाई हैं कि जिसमें जो आगे भी 4 साल के बाद में भी हम उनको नौकरी में आरक्षण देंगे। जब अग्निवीर योजना उन्होंने चलाई उसका विरोध पूरे देश में हुआ, बहुत से युवा साथी जो फौज की भर्ती करते थे जी उन्होंने आत्महत्या तक की है। नीतियां वो लागू करनी चाहिए जो जन के लिए कल्याणकारी हों, ऐसी नीतियों का कोई फायदा नहीं जिससे आम जन को नुकसान हो। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के दिन अब लज चुके। अगर हांसी हल्के की बात करें तो आनंद जाखड़ अपना किस प्रकार का विजन जो है वो लेके चल रहे हैं? मेरा बड़ा साफ स्पष्ट विज़न है, एक तो हम हांसी में भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं जी। और एक नए हांसी का अभी लग रहा है आपको भ्रष्टाचार है हांसी में? बिल्कुल भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार कहानी। अनेक बार तो कागजों में आवारा पशु पकड़ने की मुहिम लग चुकी, कितनी बार उनके टेंडर लगे, उनकी पेमेंट भी हो चुकी, आज भी आवारा पशु सड़कों पर घूम रहे हैं। कोई भी सड़कें बार बार तोड़ दी जाती हैं और दोबारा बना दी जाती हैं, इस प्रकार के अनेकों उदाहरण हैं। गीता चौक का एक उदाहरण है जिसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है जी। अभी जो है लगातार टिकट के प्रति एक जो है उम्मीदवारों की छंटनी कहें ले जिसे, या इंटरव्यू कहें जिसे, सर्वे कहें, वो चल रहे हैं। आनंद जाखड़ अपने आप को कितना मानते हैं कि जो टिकट है वो बिल्कुल जो करीब है आनंद जाखड़ के आ चुकी है? दो चीज़ों पे भरोसा करता हूं भाई, एक मेरे युवा साथियों और बुजुर्गों पे, दूसरा कांग्रेस पार्टी पे। कांग्रेस पार्टी मुझे काम देती है, इनके सहयोग से मैं काम करता हूं, फैसला पार्टी को लेना है जी। अब लग रहा है कि जो टिकट है वो आनंद जाखड़ को मिल रही, कितने आश्वस्त हैं? मेरे नेताओं ने मुझे आश्वस्त कर रखा है, मैं काम कर रहा हूँ, युवा साथ दे रहे हैं, बाकी पार्टी की मर्जी। और अगर पार्टी की मर्जी ठीक ठाक हो भी जाए, आनंद जाखड़ को अगर हो भी जाए, तो क्या लग रहा है कि जीत भी आनंद जाखड़ की हो जाएगी? अगर इस बार पार्टी ने मुझे टिकट दी तो हांसी में सबसे ज़्यादा मतों से जीतने वाले हम कैंडिडेट होंगे जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जैसी आप उम्मीदें लिए हुए हैं वैसा ही जो भगवान करे वैसा आपको फल मिले। आनंद जाखड़ हमारे साथ थे, और जैसा लोगों ने कहा कि युवा है, पढ़ा लिखा है, और यह बात जो है कहीं ना कहीं इनके जो जोशीले जो युवा हैं इनके साथ उनको देखकर भी प्रतीत होती है। आपको क्या लग रहा है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मेरा नाम मुकेश माही, कैमरामैन जतिन के साथ, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।